थाना सदर आगरा क्षेत्र में दयानंद बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुर आगरा कैंट के नाम से चल रहे स्कूल के कई पूर्व पदाधिकारियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सांठगांठ कर फर्जी साइन कर हड़पे लाखों रुपए। कई सालों पहले स्कूल में कैंटीन चलाने वाले प्रमोद गुप्ता बना कुछ ही सालों में करोड़पति। दयानंद बाल मंदिर स्कूल एक आर्य समाज संस्था से अधीन है। पूर्व में संस्था के अध्यक्ष पद पर प्रमोद गुप्ता पुत्र श्री चंद्र गुप्ता निवासी चंद्रनगर बालूगंज आगरा नियुक्त किए गए। अभियुक्त ने सहपाठी के उपलब्ध में भेदपाल सिंह पुत्र श्री रामगोपाल सिंह निवासी वरई सैया को विद्यालय में व्यक्तिगत लिपिक के रूप में नियुक्त कर लाखों की हेराफेरी की। प्रमोद गुप्ता एवं भेदपाल सिंह करते थे सारे लेन देन। उसी उपरांत तत्कालीन प्रबंधक प्रताप सिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर किए लाखों रुपए का हेरफेर, कई लोगों के नाम से फर्जी साइन कर निकाले लाखों रुपए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जहां बैंक 50,000 के चेक भुगतान पर पैन कार्ड मांगा जाता है, वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लाखों रुपए की निकासी पर केस कैसे स्वीकृति दे दी। दूसरा सवाल यह उठता है कि बैंक कर्मचारी हस्ताक्षर को बारीकी से देखकर करते हैं भुगतान, वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक के कर्मचारी फर्जी साइन की कैसे करते हैं अनदेखी। जब स्कूल एवं संस्था के वर्तमान पदाधिकारियों ने बैंक से मांगा स्टेटमेंट तो की आनाकानी। वर्तमान पदाधिकारियों का कहना है कि सन 2008 से अभी तक बैंक स्टेटमेंट निकाला जाए तो करोड़ों रुपए की हेराफेरी सामने आ सकती है। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं।